नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुषमा। कुक विशेष में आपका स्वागत है। मैं आज बनाने वाली हूँ बेसन के मीठे चेले, जिसके लिए हमें एक कटोरी बेसन लिया है, एक कटोरी गुड़ लिया है और घी लिया है। ये बहुत आसानी से बन जाते हैं और ये गुरुवार व्रत के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें ये गुड़ डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको करेंगे हम मेल्ट। गैस चालू करेंगे हम, इस बर्तन को रखेंगे और जब तक इस गुड़ मेल्ट ना हो जाए जब तक इसको पकाएंगे। देखिए हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है, पूरा अच्छी तरह से ही मिल गया है। अब हम गैस को करेंगे बंद। 5-10 मिनट लगते हैं इसको मेल्ट होने में। अब हम इसे गैस से उतार लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। 5-10 मिनट लगेगा इसको ठंडा होने में। अगर इसको गर्म करके ना बनाना है तो आप इसको पहले से ही गुड़ को पानी में डालकर रख सकते हैं, जिससे ये मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से। हमारा गुड़ का पानी ठंडा हो गया है, अब हम इसे छना लेंगे। इसको ज़्यादा ठंडा होने नहीं देंगे, थोड़ा गुनगुना ही रखेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें ये बेसन डालेंगे और इसका एक बैटर बना के तैयार करेंगे। बेसन को इस तरह घोला जाए जिससे इसमें कुछ लम्स ना पड़े और थोड़ा थोड़ा ही गुड़ का पानी डाला जाए और अच्छा स्मूथ बैटर तैयार कर लिए जाएंगे। देखिए हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है, अच्छा पतला बना है। इसकी कंसिस्टेंसी अगर आपको लगता है ज़्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम 10-15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे ये और अच्छे से फूल जाए, फिर जिससे हमारे चीले और अच्छे बनेंगे और नरम बने। तो मेरा बैटर फूल गया है, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को करेंगे ऑन और रखेंगे तवा। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। हमारा तवा गर्म हो चुका है और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी। इसके साथ साथ अच्छे से चला लेंगे और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम में रखेंगे, जिससे हमारे चीले जले ना। ये मैंने गहरा वाला तवा लिया है, जिससे हमारे चीले अच्छे से बन जाए। देखिए हमारा जीरा पक चुका है, थोड़ा थोड़ा और पकने बाकी है। अब इसको हम पलटाएंगे, थोड़ा सा चार तरफ से अच्छे से इसको निकालेंगे, क्योंकि गुड़ का छिलका है तो ये चिपक जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल आसान धीरे धीरे निकाला जाता है। अब इसे हम करेंगे पलटाएंगे। देखिए पीछे से
चुका है, अब इसको हम आगे से सेकेंगे और थोड़ा सा डालेंगे जिससे ये अच्छे से सिक जाए। देखिए हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है, अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेंगे और दूसरा और चीले बनाएंगे। तो ये मेरे चीले बन के तैयार हो गए हैं। ये गुरुवार व्रत के समापन के लिए लोग पीला भोजन खाते हैं, जो विष्णु भगवान के पास के लिए रहता है, इसलिए व्रत में खाए जाते हैं। तो आप बहुत आसानी से ये बना सकते हैं व्रत के चीले। और अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको अपलोड होते रहें। धन्यवाद। बाय बाय।